नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में काम किया था और इसमें उन्हें काफी सराहना मिली। उन्होंने माही का किरदार हूबहू पर्दे पर उतार दिया था। ऐसे समय में जब सुशांत इस दुनिया में नहीं है तो माही की प्रतिक्रिया का इंतजार सभी को है, परंतु उनकी ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुशांत की खुदकुशी की खबर सुनकर महेंद्र सिंह धोनी को सदमा लगा है। वे इतने दुखी हुए हैं कि पूरी तरह टूट गए हैं। यह बात एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने बताई। हालांकि धोनी की तरफ से अब तक कोई भी बयान नहीं आया है। सुशांत ने इस फिल्म में धोनी का किरदार निभाया था। 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई यह फिल्म सुपरहिट रही थी। बता दें कि 34 साल के सुशांत ने रविवार सुबह बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सोमवार को मुंबई के विलेपार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। नीरज पांडे ने कहा, मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हूं। मैं यही कह सकता हूं कि मैंने एक करीबी दोस्त खो दिया। खबर सुनने के बाद मैंने माही भाई और दो दोस्त मिहिर दिवाकर और अरुण पांडे को फोन किया था। सभी बहुत दुखी हैं। खबर सुनकर माही भाई को सदमा लगा है। वे टूट गए। अरुण पांडे एमएस धोनी फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कहा, वह धोनी के जीवन को स्क्रीन पर सही से उतार पाएगा या नहीं, इसको लेकर वह हमेशा चिंतित रहता था। उसने हेलीकॉप्टर शॉट की काफी प्रैक्टिस की थी। एक दिन उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। हमें लगा आराम करेगा, लेकिन वह झूठा रहा। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण फिल्म में देरी हो। छोटी छोटी चीजों में अंतर न आए, इसलिए वह माही से काफी सवाल पूछता था। दोनों बिहार से ही थे, इसलिए तालमेल भी शानदार था। मैं, माही और सुशांत दिल्ली में धोनी के एयर इंडिया वाले मकान में गए थे। माही घर में जहां बैठते थे और खाना खाते थे। किरदार में ढलने के लिए सुशांत भी उनकी तरह वैसा ही करते थे। घर में एक जगह ऐसी थी जहां धोनी जमीन पर लेट जाते थे। सुशांत ने भी वैसा ही किया। धोनी के किरदार को निभाने के लिए वे खुद को खुश नसीब मानते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ करेगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।